इंडियन ऑटो मार्केट हमेशा से ही बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव और मुश्किल रही है कार ब्रांड्स के लिए, और इसीलिए ऑटो मेकर्स ने कई अलग अलग इंडिया स्पेसिफिक कैटेगरीज को जन्म दिया है, जैसे कि सब 4 मीटर सेडान्स, सब 4 मीटर एसयूवीज या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवीज। ये कुछ ऐसी कार कैटेगरीज हैं जिनका या तो जन्म इंडिया में हुआ है या ये पॉपुलराइज इंडिया के अंदर ही हुई है। अब ये तो थी बीते कल की बातें, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि शायद से ये इतिहास अपने आप को फिर से दोहराने वाला है और फिर से एक कार कैटेगरी का जन्म इंडिया में होने वाला है, और वो कैटेगरी है सस्ती और छोटी कूपे एसयूवी की। क्योंकि पहले टाटा कर्व, फिर महिंद्रा की एसयूवी E9 और फिर सिट्रोइन की बसाल्ट, एक के बाद एक हमारी इंडियन ऑटो मार्केट में ये कूपे शेप वाली एसयूवी के टीजर्स देखने को मिल रहे हैं और अनाउंसमेंट सुनने को मिल रही है, और हो सकता है बाकी ऑटो ब्रांड्स भी अपनी कूपे शेप वाली एसयूवी की अनाउंसमेंट्स इंडियन मार्केट के अंदर कर दें। और क्योंकि ये एकदम से बाढ़ सी आ रही है कूपे एसयूवीज की, इसीलिए सवाल ये उठता है कि आखिर ये एकदम से इतने सारे ब्रांड्स सिर्फ कूपे एसयूवीज के पीछे ही क्यों पड़ गए हैं। चलिए ये हम इस वीडियो के अंदर जानते हैं, और साथ ही साथ ये भी डिटेल के अंदर समझते हैं कि आखिर ये कूपे डिजाइन वाली कार्स एक्चुअली में होती कौन सी हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई और ब्रांड्स इनको बनाते ही क्यों हैं एट फर्स्ट प्लेस। पर उससे पहले यू नो द ड्रिल, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसी ही वीडियोस बनाते रहने के लिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कूपे है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड है जो कि कूपर से डिराइव होता है, और जो कूपर है इसका मतलब होता है कट। अब ये कूपे को कट से क्यों डिराइव किया गया है, ये समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, ना थोड़ा और पीछे, लगभग 200 साल पीछे। हाँ अब ठीक है। 18th century में हॉर्स कैरिजेस के अंदर दो प्रकार की सीट्स आती थी, एक फ्रंट फेसिंग और एक रियर फेसिंग सीट्स। लेकिन जब फ्रेंच लोगों ने इन्हीं हॉर्स कैरेजेस को बीच में से कट कर दिया और इनमें से रेयर फेसिंग वाली सीट्स को हटा दिया, तो इन्हीं हॉर्स कैरेजेस को कहलाया जाने लगा कूपे। यानी कि कूपे एक ऐसे हॉर्स कैरेज को बुलाया जाता था जिसमें रेयर फेसिंग सीट्स नहीं होती थी, बस फ्रंट फेसिंग वाली सीट्स होती थी। इनमें जो विंडोज होती थी उनमें फिक्स ग्लासेस होते थे, और इनमें जो रूफ होती थी वो भी फिक्स होती थी। और इन्हीं हॉर्स कैरेजेस के तर्ज पर अर्ली 30s में कई कार्स आईं जो कि 2-door 2-seat वाली हुआ करती थी, और इनकी जो रूफ थी वो भी फिक्स हुआ करती थी। जैसे कि अगर मैं कुछ शुरुआती कार्स की बात करूं तो फोर्ड की मॉडल 18 जो कि 1937 में आई थी, या फिर ब्यूइक की 37 जो कि 30s में आई थी। ये दोनों ही अर्ली एग्जाम्पल्स है कूपे बॉडी वाली कार्स के। अब बिल्कुल शुरुआत में तो कूपे कार्स ने हॉर्स कैरेजेस के डिजाइन फिलोसफी को पूरी तरीके से फॉलो किया, यानी कि इनमें 2 door थे और 2 ही seats हुआ करती थी। लेकिन आगे चल के कूपे डिजाइन का मतलब थोड़ा सा बदल गया। जैसे कि अगर मैं 40s और 50s की बात करूं तो इस दौरान कुछ ऐसी गाड़ियां आई जिनमें दरवाजे तो 2 थे लेकिन इनके अंदर सीट्स 4 दी गई थी, और इन 4 seats को अकोमोडेट करने के लिए इन गाड़ी के बैक को एक्सटेंड कर दिया गया था, और इनका जो बैक होता था इनके अंदर थोड़ा सा कर्व ऐड कर दिया गया था ताकि ये 4 seats अकोमोडेट हो सके। अब यही जो 40s और 50s की शुरुआती 4 seat वाली कूपे डिजाइन वाली गाड़ियां थी ना, इन्हीं को देखते हुए बाद में कई ऐसी कार्स आईं जो कि कूपे कहलाई गई, जैसे कि पोर्शे की 911, फेरारी की ज्यादातर गाड़ियां, मस्टैंग, और कई 4-seater 2-door वाली गाड़ियां जैसे कि BMW M8, रोल्स रॉयस की स्पेक्टर या फिर ऑडी की A5 कूप। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेजरली फिक्स्ड रूफ और 2 doors वाली कार्स को कूपे बोला जाता है, रिगार्डलेस उसके अंदर कितनी सीट्स हैं। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर 2 door वाली गाड़ियों को ही कूपे बोला जाता है तो बॉस एसयूवीज को कूपे कैसे बोला जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर तो 4 दरवाजे होते हैं, राइट? वेल, कुछ एसयूवीज को कूपे बुलाए जाने का रीजन उनके 2 या 4 दरवाजे नहीं है बल्कि उनकी स्लोपिंग रूफ लाइन है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अभी आपको जितनी भी कूपे कार्स के बारे में बताया है ना थोड़ी देर पहले, उन सभी की रेयर जो रूफ लाइन है वो काफी ज्यादा कर्व थी। दरअसल इस टाइप के डिजाइन को या तो फास्टबैक कैटेगरी में डाला जाता है, यानी कि ऐसी कार जिनके पीछे सिंगल कर्व होता है, या फिर कई कूपे कार्स कैमबैक डिजाइन में भी देखने को मिलती हैं जिसमें कि रेयर जो होता है वो कर्व तो होता है लेकिन आगे जाके उसे एब्रप्टली काट दिया जाता है। अब BMW ने जब अपनी पहली ऐसी कैमबैक डिजाइन वाली SUV 2008 के अंदर लॉन्च करी, यानी कि X6 जब 2008 के अंदर लॉन्च करी, तो लोगों ने फॉर लैक ऑफ वर्ड इसे एक कूपे कार जैसे दिखने वाली SUV बुलाना चालू कर दिया, और यही रीजन था कि ऐसी SUVs को कूपे बुलाया जाना चालू कर दिया जिनकी पीछे वाली रूफ कैमबैक वाले डिजाइन के साथ आती है या फिर फास्टबैक वाले डिजाइन के साथ आती है। अब ये जो X6 थी ना, ये रईसों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, और इसी की देखा देखी बाकी महंगे ब्रांड्स ने भी अपनी महंगी महंगी SUVs को कूपे डिजाइन में लॉन्च करना चालू कर दिया, जिसके बाद मर्सिडीज ने अपनी GLE और GLC कूपे लॉन्च करी, दोनों ही SUV थी। लिम्बोर्गिनी के उरुस को भी एक कूपे SUV बोला जा सकता है। एस्टन मार्टिन की DBX भी एक कूपे वाले डिजाइन की SUV है, और जो पोर्शे की कायान है ना उसमें भी कूपे रूफ लाइन वाले मॉडल्स आने लगे हैं। अब यार हम ये तो समझ चुके हैं कि आखिर कूपे SUVs बोला किनको जाता है या इनकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो अब चलो ये समझ लेते हैं कि आखिर इन गाड़ियों को बनाया क्यों जाता है और क्यों इंडिया के अंदर इन गाड़ियों की बाढ़ आने लग रही है। देखो, कूपे SUVs बनाने के लिए ना कंपनी के पास 2 major reasons होते हैं, जिसमें कि पहला तो है बेटर एरोडायनामिक्स,
अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो रेगुलर स्पोर्ट्स कार वगैरह होती है ना, उनके अंदर या तो फास्टबैक या फिर कैमबैक वाला डिजाइन आता है, लेकिन इसके पीछे जो रीजन होता है ना, वो सिर्फ दिखावा नहीं है या फिर गुड लुक्स नहीं है, बल्कि ये डिजाइन दिया ही इसलिए जाता है क्योंकि इसकी वजह से इन गाड़ियों का जो ड्रैग कोएफिशिएंट है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। यानी कि हवा के अगेंस्ट जो इन गाड़ियों को फोर्स लगानी पड़ती है ना, वो बाकी गाड़ियों के मुकाबले कम हो जाती है थोड़ी सी अपने इस डिजाइन की वजह से। अब क्योंकि ये जो सेम डिजाइन है यही कूपे एसयूवीज के अंदर भी फॉलो किया जाता है, इसीलिए इनका ट्रैक कोएफिशिएंट भी रेगुलर बॉक्सी शेप वाली एसयूवी से थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी स्पीड और हैंडलिंग दोनों ही रेगुलर एसयूवी से बेटर हो जाती है। इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि जो फास्ट एसयूवीज होती है ना, वो कूपे डिजाइन वाली ही होती है। मर्सिडीज बेंस ने भी अपने खुद के पब्लिश आर्टिकल के अंदर ये बोला था कि ये जो कूपे डिजाइन होता है ना, ये एरोडायनामिकली काफी ज्यादा सेंस बनाता है। और उन्होंने ये भी लिखा था कि एक कूपे एसयूवी के अंदर एक नॉर्मल एसयूवी के मुकाबले थोड़े कम टॉर्क वाला इंजन यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो कूपे डिजाइन वाली एसयूवीज होती हैं वो कम टॉर्क के साथ भी उतनी ही एफिशिएंटली मूव कर पाती हैं जितना एक मॉक्सी शेप वाली एसयूवी मूव करती है। अब ओवरऑल बेटर एफिशिएंसी तो एक रीजन है कूपे एसयूवीज बनाने का, पर जो दूसरा रीजन है वो ये है कि ये जो कार ब्रांड्स है ना, दे आर फोर्स टू मेक वियर्ड डिजाइंस। मैं समझाता हूँ। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि आजकल रोड्स पर बहुत सारी गाड़ियां फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ आ रही हैं। आजकल कई सारी कार जनरेशन के डिजाइन अपने प्रीवियस मॉडल से बहुत ज्यादा अलग हैं, जैसे कि हुंडई की न्यू वर्ना, टाटा की नई नेक्सॉन या फिर हुंडई की नई सेंटा फेज अपने पुराने मॉडल्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अलग दिखती है। अब कार ब्रांड्स को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां सेम दिखने लगी हैं। आप जरा ये इमेज देखिए, हर गाड़ी ऑलमोस्ट एक जैसी दिखाई दे रही है और आप साइड प्रोफाइल से ये नहीं बता सकते कि कौन सी गाड़ी कौन से ब्रांड की है। और आप जरा इन चार सेडान्स की फोटोज को देखिए, एक ब्रांड की आइडेंटिटी उसकी यूनिकनेस होती है, और अगर 50 गाड़ियों के बीच में से आप एक ब्रांड की गाड़ी को डिफरेंशिएट ना कर पाओ तो फिर ब्रांड बनाने का फायदा ही क्या है, है ना। तो इसीलिए ऑटोमोबाइल डिजाइनर्स के ऊपर ना एक बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है कि वो अपनी गाड़ियों को बाकी गाड़ियों से स्टैंड आउट करें, ताकि आप दूर से देख के बता सके कि भाई ये तो फलाने ब्रांड की गाड़ी है, जैसे कि टाटा की गाड़ी है या फिर महिंद्रा की गाड़ी है, दूर से पता लग जाए, है ना। इसीलिए जो नए जनरेशन का ऑटोमोबाइल्स है ना, वो काफी ज्यादा यूनिक डिजाइन के साथ आ रहे हैं, और इसी यूनिकनेस को क्रिएट करने के लिए आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव और इम्पैक्टफुल डिजाइन बनाए जा रहे हैं। और इसी इम्पैक्ट को लाने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है गाड़ी की जो हेडलाइट है और जो ग्रिल है उनको एग्रेसिव बनाया जाए, जैसा कि BMW भी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज को ध्यान से देखिए, इस इमेज में 1985 से लेकर आज तक जितनी भी BMW की ग्रिल्स और हेडलाइट्स है ना, उनको कंपेयर किया गया है, और इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि हर जनरेशन के साथ जो BMW की हेडलाइट और ग्रिल है ना, वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होती जा रही है। अब ये कुछ मेथड्स हैं जिनके सहारे डिजाइन को स्टैंड आउट करवाया जा सकता है और आपके दिमाग पर डिजाइन की छाप छोड़ी जा सकती है, लेकिन कूपे डिजाइन्स बनाना इस कड़ी में एक नया एडिशन हो सकता है, क्योंकि अभी तक कूपे एसयूवी सिर्फ लग्जरी सेगमेंट में ही अवेलेबल थी, तो इनके लिए बाकी प्राइस सेगमेंट वाली कैटेगरीज में अभी बहुत ज्यादा जगह बची है। और ऐसा ही कुछ हमारे भारत के अंदर भी देखने को मिल रहा है। इंडियन ऑटो मार्केट पिछले कई सालों से एसयूवीज का एपिसेंटर बनी रही है, और यहाँ हमने ऐसी ऐसी कैटेगरीज का जन्म होते हुए देखा है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलती, जैसे कि कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसकी शुरुआत रेनो डस्टर के थ्रू हुई थी, या फिर सब 4 मीटर वाली एसयूवीज जिसमें कि फोर्ड इकोस्पोर्ट ने कामयाबी प्राप्त करी थी। लेकिन अब ये जो दो एसयूवीज की कैटेगरीज है ना, ये इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं, और इन कैटेगरीज में इतने मॉडल्स आ चुके हैं, अब यहाँ से पैसा बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इसीलिए मेरा मानना यह है कि टाटा महिंद्रा और सिट्रॉइन अपनी कार्स के साथ एक बिल्कुल नई कैटेगरी में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक नई कैटेगरी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एज आई सेड बिफोर इस कैटेगरी के अंदर ना अभी सिर्फ महंगी गाड़ियां ही अवेलेबल है, जैसे कि पोर्शा और लैम्बोर्गिनी वगैरह। तो अभी यहां पर इस प्राइस पॉइंट में, जैसे 15 से 20 लाख के प्राइस पॉइंट में ना, बहुत बड़ा स्कोप है इन ब्रांड्स के लिए, और यहां पर इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिल जाएगी, क्योंकि अभी ये शुरुआती ब्रांड्स ही हैं, जस्ट लाइक नेक्सॉन जो कि सब 4 मीटर वाली गाड़ियों के अंदर शुरुआती गाड़ी थी, या फिर क्रेटा जो कि कॉम्पैक्ट एसयूवीज में शुरुआती गाड़ियों में से एक है जिसने बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करी है। साथ ही साथ क्योंकि ये कैटेगरी सिर्फ अभी महंगी कार्स के अंदर पॉपुलर है, तो सस्ती गाड़ियां लॉन्च करने से ये भी मदद मिलेगी कि लोग ना इन गाड़ियों को महंगी गाड़ियां समझेंगे, क्योंकि आप एक सस्ती गाड़ी में कूपे वाला डिजाइन दे रहे हो जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी गाड़ी में आता है, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी भी एक थोड़ी सी लग्जरी कार है, तो डेफिनेटली इन गाड़ियों की सेल्स बहुत ही ज्यादा होने वाली है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारी रिसर्च में हमें ये पता लगाया है कि ये जो सस्ती कूपे एसयूवीज जो है ना, ये कैटेगरी भी सिर्फ इंडिया में ही है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, बाहर इसका कोई अभी नामो निशान भी नहीं है। तो एक साथ जो इतने सारे ब्रांड्स है, वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही काम करने वाले हैं कूपे एसयूवीज को लेकर, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, लोगों को बहुत ही ज्यादा बड़ी वैरायटी मिलने वाली है अब गाड़ियों की। तो आप लोग भी अपने विचार जरूर छोड़िए और मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को ये कूपे एसयूवीज पसंद है, आपकी फेवरेट लग्जरी कूपे एसयूवी कौन सी है, या फिर आप लोगों को कूपे एसयूवीज पसंद ही नहीं है, प्लीज कमेंट्स में बताइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो जरूर करिए। थैंक यू।